वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं बहुत दिनों बाद हिंदी ब्लॉग कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अभी नेपाली ब्लॉग चैनल पे ज़्यादातर एक्टिव होती हूँ और हिंदी में थोड़ा सा कम है, पता नहीं क्यों, क्योंकि उस टाइम उस तरीके का वीडियो नहीं बना है जो मैं हिंदी में बनाऊँ, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा आज अभी से स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। और आप मेरा हालत देख सकते हैं, इतना ख़राब और गंदी हालत में हूँ मैं, क्योंकि मेरा आज बहुत दिनों बाद मुझे आज वीकअप मिला है। और आज हम लोग रूम शिफ्टिंग कर रहे हैं, जो कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, मैंने रूम शिफ्टिंग ब्लॉग किया था। और इस वीडियो में मैंने रूम शिफ्टिंग किया हुआ ऐसा कुछ भी मैंने नहीं दिखाया है, बट हाँ मैं क्या क्या काम करने वाली हूँ। और आई थिंक मैं कल भी एक छुट्टी लेने वाली हूँ, तो क्या क्या करेंगे और वही मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी गाइस। और अभी हम लोग ने पूरा सामान लेके आया है उस रूम से और बहुत काम बाकी है गाइस, आप देख सकते हो बहुत सारा काम बाकी है, बस काम ही है। पता नहीं मैं कैसे ब्लॉग बनाऊं और आप लोग को दिखाऊं, बट फिर भी मैं चाहती हूं कि मैं हिंदी में भी ब्लॉग बनाऊं। और मेरा हस्बैंड देख रहे हैं नेपाली ब्लॉग, तो मतलब वो बना रहे हैं नेपाली ब्लॉग, और मैंने सोचा क्यों ना मैं हिंदी में भी बना लूँ, मेरा भी एक ब्लॉग बन जाएगा। और अभी 12:30 होने वाला है और हम लोग ने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि पकाने का कोई भी सिस्टम नहीं है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और मैं 7 बजे उठी थी, येस्टरडे नाइट को भी लेट से सोई क्योंकि पूरा हाथ दर्द हो गया क्योंकि हाथ से बना रही हूँ। तो पूरा नाइट को, येस्टरडे नाइट को भी पूरा हम लोग ने मतलब पैकिंग किया था और आज मॉर्निंग भी पैकिंग किया है। मैं 7 बजे से उठी हूँ और यहाँ गाइस नींद भी बहुत ज़ोरों की लगी है, क्योंकि मैं 7 बजे उठती नहीं हूँ क्योंकि हम लोग बहुत लेट सोते हैं। और मैं 9 बजे 10 बजे उठती हूँ और आज बहुत ही जल्दी उठना हुआ है, तो इसलिए पूरा काम करेंगे और देखेंगे टाइम मिलेगा तो मैं सोऊंगी भी। मेरे हस्बैंड अभी बाहर गए हैं क्योंकि रूम में साफ़ भी करना है अपने तरीके से। यहाँ पे वॉचमैन ने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है रूम को, लेकिन फिर भी अपने तरीके से अच्छी तरह से साफ़ करना है, तो कुछ सामान लेने के लिए गया है मेरा हस्बैंड बाहर। और मेरा सिस्टर भी आ गई है, मतलब सिलीगुड़ी से मेरे सिस्टर भी आ गई है। अभी तक हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ थे, मेरे सिस्टर नहीं आए हुए थे, तो 2 दिन ही हुआ वो आए हुए और वो ड्यूटी पे ज्वाइन किया है और इसीलिए उनको छुट्टी नहीं मिला। मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ शिफ्ट कर रहे, तो इतना टायर्ड हो गए अभी हम लोग, और पूरा सेट भी करना है। एक्चुअली ये रूम मुझे क्यों पसंद आया, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा बेसिक सा रूम है, लेकिन इस रूम का लाइट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इधर उधर चारों तरफ विंडोज़ है और मुझे काफ़ी अच्छी तरह से लाइट मिलेगा। तो गाइस ये रहा हमारा किचन, कैसा है? ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं है, बट फिर भी हमारा किचन अब से ये है। ये सामान रखने का रैक है, अभी मुझे ये पूरा क्लीन करके सबसे पहले मैं किचन पे ही वो काम करूँगी। और ये कुछ इस तरह, यहाँ पे सबसे अच्छा व्यू ये रहा गाइस, पीछे में आप देख सकते हो रॉक का माउंटेन है, रॉक माउंटेन है वो, मतलब एक रिफ्रेश सा बालकनी है क्योंकि बहुत ही ग्रीनी है, अच्छी तरह से हवा मिलेगा। या गाइस साफ करते हैं अभी, अभी मुझे साफ करना है गाइस। आई थिंक मेरा हस्बैंड आ गए हैं ओपन करके, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ना, वाले नहीं तो दूल्हा बड़ा साला देखा। हेलो मैनेजर, ये बाहर का व्यू है, यहाँ पे क्यों बन जा हमारा पड़ोसी, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला है। बेचारा मेरा हस्बैंड भी बहुत थक गया है बेचारा, काम कर कर के सुबह से। ये रहा हमारा खाना, खाना हमारा
लंच, अभी हम लोग लंच करने वाले हैं गाइस। ये फ्राई राइस और चिकन मंचूरिया, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक। हे गाइस, सो मैं अभी भी नहाई हूँ और मैंने थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर लिया। मेरे हस्बैंड बाहर गया है क्योंकि सब्ज़ी वगैरह नहीं है, तो वो ही लाने के लिए गया है। और हम लोग ने पूरा सामान वामान सेट कर लिया। मेन तो ये रूम को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करना था और वॉशरूम को भी अच्छी तरह से साफ़ करना था। दो वॉशरूम, दो बालकनी और वो किचन, सब कुछ हमें अच्छी तरह से साफ़ करना था। वॉचमैन ने नॉर्मली साफ़ कर दिया था, तो इसीलिए हमें अच्छी तरह से साफ़ करना था। तो साफ़ करते करते 7 o'clock हो गया आई थिंक। तो साफ़ करते करते 7 हो गया था, 7। तो हम लोग ने एक बार भी रेस्ट नहीं किया गाइस, लिटरली हम लोग ने थोड़ा देर भी रेस्ट नहीं किया, मैं और मेरे हस्बैंड ने। हम लोग का सामान तो उतना नहीं है, बस जो चाहिए वही सामान सिर्फ है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं इसीलिए। और हमें उतना ज़्यादा सामान रिक्वायर भी नहीं है, जो चाहिए वही हम लोग रखते हैं। इसलिए गाइस अभी पूरा सामान वामान सेट हो गया है, मेरा मेकअप का सामान सेट करना है और कपड़े वगैरह भी थोड़ा सेट करना है। अभी मेरे हस्बैंड बाहर गए हैं और मेरे सिस्टर भी, उनका भी ड्यूटी टाइम ऑफ हो गया है और सिस्टर इन लॉ भी आ रहे हैं और आज हम लोग का यहाँ पर ही रुकेंगे। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ गाइस। ये आप देख सकते हो, ये हमने गोवा में बाइंग किया था जब हम सेकेंड एनिवर्सरी में गोवा गए थे। प्रशांत ज्योति गोवा लिखा है और या गाइस कुछ इस तरीके का है। आप लोग भी गोवा जाएंगे तो इस तरीके का थोड़ा रिमेम्बर कुछ बना सकते हो। और हम लोग का ये बहुत ही फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस वॉल पे लगाऊं, और काफ़ी अच्छा लगा हमें। और पूरे एक डेढ़ साल के बाद में मैंने कहीं पे इसे लटका दिया है और कहीं पे डेकोरेट किया है। और या गाइस अभी खाना भी बनाना है, उसके बाद खाना बनाते बनाते साथ साथ ही मैं मेकअप का सामान भी सेट करूँगी, क्योंकि मुझे, मैं कल भी छुट्टी रह रही हूँ, लेकिन कल कपड़ा धोना है, बहुत डेंजर कपड़ा है, कपड़ा धोना है और मेकअप वीडियोज़ भी बनाना है, तो इसलिए मैं आज सब कुछ सेट कर लूँगी जितना हो सके उतना। और हाँ, मैं कुछ काम करते करते आप लोग को दिखा नहीं पाई क्योंकि इतना डेंजर काम था, सच में गाइस बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने कुछ भी आप लोग को नहीं दिखाया। बस ये रहा हमारा छोटा सा किचन, ये रहा, बस यही करते करते मेरा दिन पूरा चला गया। और आप देख सकते हो ये पूरा साफ़ किया है, ये जो टाइल्स दिख रही है ये पूरा साफ़ किया है, और ये वॉशिंग में, ये वॉश बेसन भी साफ़ किया है, बालकनी भी साफ़ किया है, उधर साइड का भी किया है। तो हम लोग ने बहुत मेहनत किया गाइस आज। और मैं आप लोग को दिखाती हूँ एक चीज़, एलोवेरा। एक्चुअली मैं, मेरा जो दूसरा पुराना रूम था उस रूम में एलोवेरा का बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे प्लांट बहुत ही बड़ा एक झुंड था एलोवेरा का, तो वो ही मैंने उठा के लेके आया, जो हमारे रूम के बालकनी है उसमें मैंने रखा है और मैं आप लोगों को कल दिखाऊंगी। तो वही मैं एक ही गमले पे सेट कर रही थी, बहुत ही बड़े बड़े हैं तो इसलिए सेट कर रही थी, तो उसी टाइम बहुत ही ज़्यादा टूट गई और मुझे बहुत ही ज़्यादा मन में लग गया गाइस, क्योंकि इतनी अच्छी तरह, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना अच्छा, मतलब एलोवेरा है, एकदम मोटा मोटा सा एलोवेरा, तो मुझे, देख सकते हो गाइस बहुत ही फ्रेश एलोवेरा है और काफ़ी अच्छा नरम भी है। जब हम लोग शिफ्ट हो रहे थे तो उसी टाइम भी वो थोड़ा सा ये लग गया, तो भी वो टूट जा रहा था, वो टूटते टूटते मैंने सोचा कि मैं इसे पूरा रख लूँ, और मैंने पूरा एलोवेरा का वहाँ पे प्लांट भी लगाई है। वो प्लांट लगाते टाइम में भी बहुत सारा निकल गया था, तो मैंने बहुत सारा इकट्ठा करके रखा, और वो ये एलोवेरा पूरा मैं कल फेस में, हेयर पे अच्छी तरह से हेयर एंड स्किन केयर करूँगी विथ एलोवेरा। चलिए अभी मैं राइस और दाल बना लेती हूँ, बहुत मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है गाइस आफ्टर वैक्सिंग, सो
सच में आप लोग भरोसा करेंगे या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने वैक्सीन लगाई फर्स्ट डोज, तब से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हो। एक्चुअली मैंने कोम भी नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। मुझे कुछ तो अच्छा करना है हेयर के लिए, तो इसीलिए मैं एलोवेरा भी लगाऊंगी कल। और या गाइस, कंटिन्यू ब्लॉग्स देखिए मेरा और कमेंट भी करते करिए। आप लोग को कैसा लग रहा है ब्लॉग्स? इंटरेस्टिंग तो नहीं है? और हाँ गाइस, ये जो ये बहन का रूम है, ये वाला बड़ा सा यहाँ तक हॉल रूम है, ये बहुत बड़ा एक हॉल रूम है। ये जो लॉगेज है, इसमें ही है मेरा मेकअप का पूरा सामान, और यहाँ पे भी थोड़ा आधा आधा है इस एरिया पे भी। तो मैं सोच रही हूँ इस एरिया पे मैं पूरा मेकअप के लिए सेट करूँ, तो देखते हैं क्या होगा। और मैं एक्चुअली यहाँ पर ही वीडियो बनाऊँगी सोच रही हूँ, तो मैं बैकग्राउंड भी बहुत ही अच्छा बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ। पता नहीं क्या होगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी गाइस। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं राइस मैंने बिठा लिया है, अब मैं काटूंगी प्याज। चिकन लेके आ रहे हैं मेरे हस्बैंड और सिस्टर लोग, सभी जन साथ में आएंगे, तो यहाँ पे राइस बन रहा है और इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा रेडी कर रही हूँ चिकन के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ गाइस, सच में मुझे कुछ भी करने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरा पीरियड टाइम है और आज सेकेंड डे है, और इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा पीरियड में बैक पेन और स्टमक पेन बहुत ज़्यादा होता है। यस्टरडे तो मेरा हालत एकदम ओवर ख़राब था, और आज तो थोड़ा भी ठीक ही है, लेकिन फिर भी इतना काम के कारण से और ज़्यादा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है गाइस। मैंने वो कट कर लिया है, अब मैं ओपन करूँगी मेकअप का सामान, मैं आप लोग को दिखाऊंगी ये लगेज। ओपन करूँगी मैं इसे। सो गाइस, ये रहा मेकअप का सामान। मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, मेरा फेशियल सीरम, फेस सीरम जितना भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट मेरा एक्सपायर हो गया है गाइस, और मैंने उसे अच्छी तरह से यूज़ भी नहीं किया है। पिछले मंथ ही एक्सपायर हो गया और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मतलब फेस सीरम मेरे पास 7-8 फेस सीरम था, अभी बस एक ही है, सब कुछ एक्सपायर हो गया। मुझे फिर से ख़रीदना है दोबारा, जब ऑफ़र आएगा। मैं सोच रही हूँ कुछ भी ऑफ़र आए अच्छा वाला, 50% वाला, तभी अपने पापा से बाइंग करूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हो ये पूरा मेकअप का सामान है, मुझे इस तरफ सेट करना है और ये भी मुझे सेट करना है। ये मैंने बाय किया था अमेज़ॉन से। ये सेट करने के बाद मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का है। ये सूस रखने वाला है एक्चुअली ये, लेकिन मैंने सोचा कुछ सामान रखूँगी। और इस लहंगा का भी रिव्यू करना है गाइस, मैंने ये मीशो से भी ऑर्डर किया है कुछ ड्रेस नहीं टॉप ऑर्डर किया है, तो और भी मैंने ऑर्डर किया है, वो आने के बाद साथ में करूँगी। नहीं, मैं आप लोग को भी दिखाऊँगी सेट कर कैसे मैं करती हूँ, मतलब कैसे करूँगी सेट। पहले मैं फ़ोन तो सेट कर लूँ। इसका सेट करने का सामान ये पूरा है, अब सेट करते हैं।
आई थिंक दीदी और हस्बैंड आ गया है और मैं डोर ओपन करूँगी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुझे चाहिए। गाइस सो अभी हम लोग सो रहे हैं, अभी 12:20 हो चुका है रात के और अभी हम लोग सोने जा रहे हैं और मिलेंगे टुमारो ऑल्सो माय वीक गुड नाइट गाइस बाय। मैंने कल ये पूरा थोड़ा सा मतलब 90% मैंने पूरा सेट कर लिया था यहाँ पे। सो गाइस अभी मैं टिफिन डाल रही हूँ, ये सब कुछ दीदी ने बनाई है, ये गुंद्रुक नेपाली स्पेशल डिश एंड ये डोमेस्टिक है एंड राइस। अब मैं इसे टिफिन में डालूँगी। सो गाइस मैं ये बनाने वाली हूँ, ये वाई वाई है, ये अभी थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए इसके बाद। सो हमारा मैगी बन चुका है और ये बीच का रेड और ग्रीन चिल्ली है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी है, इसमें मिक्स करके खाएंगे। क्यों कौन ना अटकू मैंने एलोवेरा जेल लगाई है। सो गाइस छोटू सा एलोवेरा जेल, इसका पूरा एलोवेरा जेल टूट गया है और ये अभी कुछ इस तरीके का है और ये तुलसी का पत्ता। यहाँ पे थोड़ी अच्छी तरह से फ्लावर्स वगैरह लगाएंगे और देखेंगे आज हुआ तो आज, नहीं तो नेक्स्ट वीक ऑफ तक हो जाएगा। और तो कपड़ा पूरा बिखरा पड़ा है जो कि अभी हमें मिलाना है ये पूरा, पहले ये खाएंगे। सो गाइस अभी हम लोग विशाल मार्ट आए हुए हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए, देखते हैं कि क्या क्या लेंगे। इस मॉल पे हम लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं और देखेंगे क्या क्या होगा। समझे है ना सब गाइस अभी हम लोग घर आए हुए हैं, ये रहा हम लोग का शॉपिंग, थोड़ा सा जय बजरंगबली है ना, के वो बाहुबली है गाइस। सो हम लोग अभी भी आए हैं और मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है जोमेटो से, चिकन टिक्का मसाला नहीं, चिकन टिक्का मसाला और रुमाली रोटी मैंने ऑर्डर किया है क्योंकि आज हमारा वीक ऑफ है तो आज थोड़ा स्पेशल हो जाए इसीलिए, और वो भी आ रहा है उसके बाद हम लोग खाएंगे अभी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मेकअप के लिए भी ठीक ठाक करना है। हे गाइस सो हम लोग ने डिनर वगैरह कर लिया है और मैं सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूँ क्योंकि अभी मैं सोऊंगी क्योंकि 11 o'clock हो चुका है और मेरे ख्याल से मैं आज कुछ भी वीडियो शूट नहीं करूँगी। टुमारो मॉर्निंग को मेरा 12 शिफ्टिंग है तो अगर मैं हो सके तो मॉर्निंग एक वीडियो बनाऊँगी और रात को बनाऊँगी मेकअप वीडियोज़, मॉर्निंग स्किन केयर करूँगी। तो गाइस बस यही था आज का वीडियो दो दिन का, कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस के लिए। और
अगर आप लोग इसी टाइप के वीडियो और भी ज़्यादा देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग बोलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू गाइज़।